आम आदमी पार्टी सचिव दिव्यंदु शर्मा के नेतृत्व में जलदाय विभाग में प्रदर्शन किया गया। इस दौरान कहा गया कि वार्ड 45 गुरु गोविंद सिंह क्षेत्र की बड़ी आबादी पानी की समस्या से जूझ रही है, जिस कारण इलाके के लोग परेशान हैं। कई इलाकों में सीवर लाइन और पानी की पाइपलाइन टूटकर एक जगह मिल गई है और पानी की सप्लाई बाधित हो गई है। समस्या का समाधान नहीं होने पर उग्र प्रदर्शन किया जाएगा। प्रदर्शन कर रहे अतर सिंह ने कहा कि पिछले 6 माह से लोगों के घरों में पानी की सप्लाई नहीं हो रही है। सर्दी के मौसम में पैदल सफर तय करके पानी लाना पड़ रहा है। शहर अध्यक्ष जगन्नाथ गोयल ने कहा कि जलदाय विभाग की अनदेखी के चलते लोग पानी के घोर संकट से जूझ रहे हैं। इस मौके पर सुरेंद्र गुप्ता, चंद्रशेखर, अनूप यादव, अतर सिंह, गुरदीप सिंह, भाग सिंह, इंद्र सिंह, गुरमीत सिंह, सतनाम सिंह, महेंद्र सिंह, निहाल सिंह, कमलेश, अश्विनी शर्मा आदि मौजूद रहे। और आज हमें स्थानीय नागरिक गुरु गोविंद सिंह के कॉलोनी से आए हुए हैं। उन्होंने बताया कि उनके पेयजल की किल्लत है। पहले भी हम इस संदर्भ में ज्ञापन दे चुके हैं और मीडिया में भी दे चुके हैं। उसके बाद भी इनकी अभी तक कोई भी समस्या का समाधान नहीं हुआ है। कब से चल रही है समस्या? ये लास्ट 6 महीने से समस्या आ रही है। इनके छोटे बच्चे और महिलाएं काफ़ी लंबी दूरी से पानी लेके आते हैं, बिजली की मोटर लगाते हैं जिनमें कोई भी जटानी हो सकती है। इसमें इनके ये प्रशासन जिम्मेदार होगा अगर कोई आगे भविष्य में ऐसी कोई घटना घटित होती है तो। वहाँ कोई भी अभी तक कोई एक्शन ऐसा नहीं लिया गया है, कोई भी संबंधित अधिकारी मौके पर नहीं पहुँचा है। आज यहाँ भी मौजूद नहीं है? आज यहाँ भी कोई मौजूद नहीं है। क्यों? हमारे बच्चे रोड पे जाके पानी भरते हैं, मोटर लगाते हैं, वहाँ तारे बच्चे होती हैं, कोई भी बच्चा वहाँ अनिकार हो सकता है उसका, और कुछ भी हो सकता है उसमें। क्या तार बहुत लंबी लंबी बचा, वहाँ लड़ाई झगड़ा हो जाता है बहुत ज्यादा। पानी की समस्या चल रही है, कम से कम बहुत 40 साल से चल रही है वैसे देखा जाए तो। अभी तक लाइन बची हुई है, उस लाइन में अभी तक पानी नहीं छोड़ा गया। अब कैसे आप काम चला रहे हो पानी का? रोड पे पानी वहाँ जाके भरते हैं, रोड से लाते हैं पानी भर भर के, और वहाँ बहुत दूर जगह है, आधा किलोमीटर दूर है, और वहाँ लड़ाई झगड़ा हो जाता है पानी के ऊपर, और मोटर वहाँ लगाते हैं, और कैसे तार बहुत बची हुई है वहाँ पे, किसी को भी करंट लग सकता है। अब आपकी क्या मांग? अब ये हमारे वहाँ पानी छोड़ा जाए हमारी लाइन में, और पानी की समस्या हमारी पूरी की जाए।